शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह या फिर कोई और, आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन अब तक ये ही साफ नहीं हो पाया है कि इस चुनाव में आखिर उम्मीदवार कौन कौन है और कितने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे हटने के बाद माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीच ही आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन किसी सस्पेंस फिल्म की तरह इस पूरे परिदृश्य में अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का G23 ग्रुप कहे जाने वाले नेता भी सक्रिय हो गए। पार्टी अध्यक्ष चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस के G23 खेमे के नेताओं ने भी गुरुवार को बैठक की। ये बैठक आनंद शर्मा के आवास पर हुई। इस बैठक में मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता शामिल रहे। इसके बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि मनीष तिवारी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में शुक्रवार को ये साफ हुआ कि मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान में से कोई भी नेता नामांकन दाखिल नहीं करेगा। वैसे शशि थरूर भी कांग्रेस के उसी धड़े के नेता माने जाते हैं जो गांधी परिवार की नीतियों से बहुत ज्यादा सहमति नहीं रखते। मल्लिकार्जुन खड़गे के मैदान में आने के बाद ये भी संकेत मिले हैं कि दिग्विजय सिंह इस रेस से बाहर हो सकते हैं। हालांकि थरूर का चुनाव लड़ना तय है। मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार का वफादार सिपाही माना जाता है। अशोक गहलोत के बागी तेवरों के बाद अब खड़गे गांधी परिवार और पार्टी की पसंद बनकर उभर सकते हैं। वह दक्षिण भारत से आते हैं जहां पार्टी अपने पैर मजबूती से जमाने की कोशिश में है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे विवादों से भी परे रहे हैं। 80 वर्षीय खड़गे का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी जैसे विपक्ष के नेताओं से अच्छे संबंध हैं। खड़गे विपक्ष के उन नेताओं को साधने की काबिलियत रखते हैं जो भाजपा खेमे का हिस्सा नहीं है। उनकी ये खूबियां उन्हें गांधी परिवार का आशीर्वाद दिला सकती हैं। लेकिन जरा रुकिए, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रही हलचल यहीं खत्म नहीं होती। राजनीतिक हलकों में प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी चुनाव लड़ने का दबाव है। गुरुवार को सोनिया ने प्रियंका के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र रही। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मैदान में उतरे नेता 8 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 30 सितंबर की शाम तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।